ईद को ज़रूर मनाएं। हमको ईद मनाना ज़रूरी है, इनाम का दिन है वो, मजदूर को मजदूरी मिलने का दिन है। ईद के सिलसिले में मैं रियासत तेलंगाना की आवाम को बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास इस रियासत तेलंगाना में रात में 9 बजे से कर्फ्यू है, और मेरी कल तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर दाखला जनाब महमूद अली साहब से बातचीत हुई फ़ोन पर, और उन्होंने मुझे ये बताया है कि ईद की नमाज हुकूमत ईदगाह में अदा करने की इजाज़त इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि कोर्ट्स का फैसला है, कोर्ट की हिदायतें हैं कि एक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है, इसलिए तेलंगाना हुकूमत अनकरीब में फैसला लेगी कि ईदगाह में जाकर वो अवाम अपनी ईद की नमाज अदा ना करें बल्कि अपने महलों की मसाजिद में अदा करें। मैं तो आपसे गुजारिश ये भी करूँगा कि उलमाओं से, हमारे मुफ्ती साहब अनवार निज़ामी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जितने भी मौज़ज़ उलमाए कराम हैं वो इस बात का फ़ैसला लें कि क्या हम तेलंगाना में ईद की नमाज एक या दो जमात बना सकते हैं, इजाज़त है उसकी। अगर उसकी इजाज़त है कि एक मस्जिद में ईद की नमाज की 2 या 3 जमातें हो सकें, ताकि एक फजर के बाद जो वक्त शुरू होता है ईदुल फितर का, तो आप उसी अपने महल्ले की मस्जिद में 2-3 जमात बना लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखकर आप अपने अपने महल्ले जात में अपनी ईद की नमाज को अदा करिए। और ये हुकूमत, मेरी नज़र में ये फ़ैसला सही है, क्योंकि अगर लाखों की तादाद में अगर हम ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पर जमा होंगे तो यकीनन कोविड फैलने का पूरा इसमें कोविड फैल सकता है, ख़तरा नहीं है बल्कि यकीनन फैलेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हुकूमत की तरफ से जब फैसले का ऐलान होगा तो उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि वो इस बात का फ़ैसला करें कि क्या मसाजिद में महलों की ईद की नमाज 2 या 3 जमातें अगर हो सकती हैं तो उलमा उसका फ़ैसला लें। मगर आवाम से मेरी ये अपील है कि ईद की नमाजें में मस्जिद को जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, खुदा के लिए मास्क लगाइए, और ये गले मिलने का काम मत करिए। गले मिलेंगे प्यारे तो कोविड गले मिल लेंगे आपसे आके, तो कोविड से गले मिलना नहीं है, कोविड को दूर रखना है, कोरोना को दूर रखना है। अगर आप बगलगीर होंगे तो नहीं मालूम कि गैर ज़रूरी आप में अगर वायरस होगा तो एक सेहतमंद को लग जाएगा, एक सेहतमंद को लग जाएगा। इसीलिए दूर से ज़बान से मास्क पहनकर ईद की मुबारकबाद दीजिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि घर को जाके मिलना, नहीं अम्मा को मिलना है, याद रखो अम्मा को जाके लपटेंगे, खुदा ना खास्ता अम्मा को इन्फेक्शन हो गया तो ज़ईफ़ लोग इस वायरस की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ज़्यादातर ज़ईफ़ हमारे माँ बाप में, हमारे बुज़ुर्गों में उम्र के लिहाज से कुछ ना कुछ बीमारी होती है, डायबिटिक होता है, हार्ट की बीमारी होती है, किडनी का होता है। दूर से अम्मा को अगर हो सके तो फ़ोन करके, सेल फोन है, स्मार्टफोन है, वीडियो कॉल करो अम्मा को, वालिद को, अगर साथ रहते तो भी ज़रूरी नहीं है कि जाके अम्मा को लपटे। मेरे भाई, ये एहतियात करने का वक्त है, बहुत एहतियात करने का वक्त है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए और मास्क लगाइए। ईद को ज़रूर मनाएं, मगर क्या हम इसको रिवायती तौर पर जैसा ईद मनाते वैसा मनाएं या खामोशी से मना लें? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको ईद मनाना ज़रूरी है, इनाम का दिन है वो, मजदूर को मजदूरी मिलने का दिन है, मगर उसी उस शान और शौकत से अगर आप मनाएंगे तो एहतियात करिए, क्योंकि याद रखिए कि हर चौथे पांचवें घर में कोई बीमार है, हर चौथे पांचवें घर में किसी का इंतकाल हो चुका है, आपके पड़ोस में किसी की मौत हो चुकी है,
यकीनन ईद मनाइए, मगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि हम अपने शहर में अपनी आबादी में रहते हैं और हमको कसरत से अल्लाह से दुआ करते रहना है कि अल्लाह सुबहाना व तआला हमको इस वबा से छुटकारा दिला दे और हमको एहतियाती तदाबीर को भी अख्तियार करना है। अगर आप कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करें, अल्लाह रो कर देंगे। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो अपने ऊँट को छोड़ के आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपने ऊँट को बांधा क्यों नहीं? तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। तो हमको पूरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है और दुआ करना है, कसरत से दुआ करना है और अल्लाह सुबहाना व तआला के फैसलों पर तवक्कल करना है।